हेलो एवरीवन, मैं कल्पना। वेलकम टू माय चैनल, आपका अपना स्टडी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर पूरा 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी हिंदी में कवर कर रही हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ है वो क्लास 6 और 7 का आपका हो चुका है, क्लास 8 का वहाँ पे चल रहा है आपका, ठीक है, रनिंग में है क्लास 8 का। तो आप उसको उधर पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको जाना है और प्ले लिस्ट में आपको सीधे एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 6 7 8 का मैथ, उसी में अभी 9th 10th का भी ऐड किया जाएगा। तो प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा और आपका जो साइंस है वो क्लास 6 7 का आपको पूरा मिल जाएगा। और क्लास एट का आपका छूटा हुआ है जिसको मैं थोड़ी दिनों बाद 9th के बाद जस्ट करा दूंगी, इसके बाद शायद आपका 10th का कराऊंगी, कुछ ऐसे होगा। अगर आप लोग कमेंट करें तो फिर मैं उस हिसाब से चलूँगी जिस हिसाब से आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखेंगे आज हमें पढ़ना है टीसूज यानी ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं, ऊतक हम पढ़ेंगे। तो जो आपका अध्याय 6 यहाँ पे है, तो इससे पहले आपका क्लास मतलब चैप्टर 5 आपके, इससे पहले आपका पूरा तो केमिस्ट्री हो चुका है उसका क्लास 9th का, और जो आपका सेल्स वाला चैप्टर है वो भी आपका हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे देखेंगे ऊतक, ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो क्या दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यही चीज़ हमने पढ़ी कि सेल्स से बने होते हैं, कुछ भी हो चाहे प्राणी चाहे पौधे। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आया, एक कोशिक जीवों में जैसे आपका क्या है, एक कोशिक जीव है जैसे आपका अमीबा था, तो वो अपना क्या करता था, खुद ही सब कुछ कर लेता था, जैसे गति करना, सांस लेना और आपका भोजन करना, उत्सर्जन, प्रजनन, सब कुछ अकेले ही कर लेता था। उदाहरण के लिए मतलब एक सेल उसका कर लेता था। उदाहरण के लिए अमीबा ही कोशिका द्वारा गति, भोजन, भोजन लेने की क्रिया और श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती थी। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। मतलब जब उसमें लाखों कोशिकाएं हैं तो कुछ कोशिकाएं कार्य करती हैं, कुछ कोशिकाएं कुछ कार्य करती हैं। जैसे कुछ क्या करेंगे, आपको सांस लेने का कार्य करवाएंगी, कुछ क्या करेंगे, आपको भोजन पचाने का कार्य करवाएंगी, कुछ उत्सर्जन का कार्य करेंगी, कुछ प्रजनन का कार्य करेंगी, ठीक है। तो अलग अलग उनके काम होते हैं। आगे देखेंगे प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। तो ये आपके सब, जैसे आपका रक्त है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को साथ ले जाता है। भोजन में आपका वो होता है, जैसे आपका प्रोटीन हुआ तो उसको साथ ले जाता है। हार्मोन्स अपशिष्ट पदार्थ को वहन करता रहता है, ठीक है। पौधों में तो इधर से आपको क्या समझ में आया कि जो आपका ऊतक होता है वो कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनका एक समूह होता है। आगे देखेंगे, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब देखिए वाहक नलियां हैं तो वाहक यानी चलती फिरती हुई इस प्रकार से दूसरी किसी चीज़ को इस साइड ले जाएंगी, इस साइड ले जाएंगी, इस साइड ले जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो वाहक नलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। यानी जो आपकी जैसी कोशिकाएं हैं, जैसे आपका भोजन पचाने का कार्य कर रही हैं तो वो एक साइड होगी, जहाँ पे भोजन पचता है अमाशय में वहाँ पे वो होंगी, ठीक है, वहीं पे वो अपना कार्य करेंगी। तो यही है, इसमें बोल रहा है कि सदैव एक समूह में रहती हैं। तो जो वो समूह बन जाता है उसी को हम ऊतक कहते हैं। मतलब जो इनका एक कार्य होता है, एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, इनका अलग कार्य होता है तो इनका एक समूह बन जाता है। इन अनेक कोशिकाओं का जब समूह बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। यही मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है, तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अभी जो आपका रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के आपको उदाहरण दिए हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे अलग से चीज़ें।
आगे हम पढ़ेंगे, ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि ऊतक क्या होता है। सीधी बात है कि ऊतक आपका होता है कोशिकाओं का समूह होता है, और कैसी कोशिकाओं का समूह, वैसी कोशिकाओं का समूह होता है जो कोशिकाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं। तो उस प्रकार के कोशिकाओं के समूह का ऊतक होता है और ऊतक आपका निर्माण हो जाता है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के कोशिकाओं, मतलब एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं? तो आइए देखते हैं क्या एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। आइए हम विभिन्न ऊतकों यानी टीसूज की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? तो ये बिल्कुल ना तो समरूप कार्य करते हैं ना इनकी संरचनाएं समान होती हैं। ठीक है, इनकी संरचना पौधे और जंतु, क्या हम और पौधों की संरचना समान है? नहीं है ना, तो बिल्कुल समान नहीं है। क्या हम लोगों में समरूपता है? नहीं है ना, पौधे और पौधों में और हम में क्या समरूपता है? पौधे चल नहीं सकते, हम चल सकते हैं, तो कुछ चीज़ें तो अलग है ना, कुछ चीज़ें समरूपता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि उन्हें भी भोजन चाहिए, हमें भी भोजन चाहिए, कुछ चीज़ें समरूपता, कुछ समरूपता नहीं है। दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उनमें बनने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। कैसे होते हैं? मृत होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं आपके। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अभी आप सोचेंगे मृत ऊतक है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊतक मर गए तो वो शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो जीवित ऊतकों की तरह ही शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं, यानी क्या करते हैं, जो आपके जंतु या आप खुद होते हैं तो क्या करते हैं, वो उन्हें साथी चाहिए और आश्रय चाहिए उन्हें कहीं रहने के लिए, तो खोज करते रहते हैं और इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। पौधे क्या करते हैं, हमारे चलते नहीं तो उन्हें ऊर्जा कम लगती है, और जो आपके जंतु हैं आप खुद हैं तो इनमें ऊर्जा आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जैसे आप हैं खुद तो आप चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे, अपनी बॉडी का आप इस्तेमाल करते हैं काफ़ी कामों में, तो क्या होता है आपको ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। कैसे होते हैं? ऊतक जीवित ऊतक होते हैं। आगे देखेंगे, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी जीवन भर उनके बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर, अब इधर से हमारा चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होता है, क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, यानी अब हम पौधों के ऊतकों का बात करेंगे, का वर्गीकरण किया जाता है। तो क्या किया वर्गीकरण पौधों के ऊतकों को, पहला तो कर दिया विभाज्य ऊतक, ऊतक तथा एक स्थायी ऊतक, दो ऊतकों में इसको बदल दिया विभाज्य ऊतक, यानी हमेशा विभाजित होने वाले, यानी वृद्धि करेंगे, विभाजित होंगे तो बढ़ेंगे, तो इसका पहला नाम ये है और दूसरा इसका स्थायी ऊतक। तो दो ऊतकों में इसको विभाजित कर दिया गया पौधों के ऊतकों को। तो हम पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, पौधों में विकास वृद्धि अधिक एक रूप होती है, वो पौधों सॉरी जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंग देखेंगे, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। ठीक है, यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। आगे देखेंगे, जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अब इधर से आपका चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है। तो ऊतक क्या है? ऊतक आपका ऐसा समूह है, ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो एक साथ एक कार्य करती हैं, तो वो आपका समूह क्या बन जाता है? ऊतक। बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? तो ऊतकों का जो आपका टिश्यूज का उपयोग है बहुकोशिकी में, जब वहाँ पे बहुकोशिकी है यानी हजारों के गिनती में, लाखों की गिनती में आपकी सेल है, तो क्या करती हैं? वो अलग अलग कार्य करते हैं ऊतक। ठीक है, और बस यही है। आगे देखेंगे पादप ऊतक, तो इधर से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, विभज्य ऊतक। ठीक है, विभज्य ऊतक ऊतक हम इधर से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है आपका विभज्य ऊतक ऊतक, तो
इधर से पूरा आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको छोड़ते हुए आगे देखेंगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। क्या होती है? कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होते हैं। ऐसे ऊतकों को विभज्य ऊतक ऊतक कहते हैं, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। यानी आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में या तो विभज्य ऊतक लिखा मिलेगा या फिर आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू लिखा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों शब्द आपको याद करने हैं। ये विभज्य ऊतक किस भाग में स्थित होते हैं, तो अभी हमें भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित होते हैं। विभज्य ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, पार्श्वीय तथा अंतःपृष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाए। यानी सीधी बात है, जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं उनको तीन भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। तो हमें याद रखना है शीर्षस्थ, कैम्बियम ठीक है, पार्श्वीय तथा अंतःपृष्ठ भागों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी इसको यहाँ से तीन भागों में बांट दिया गया। विभज्य ऊतक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ विभाज्य ऊतक की तरह अंग देखेंगे होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती जाती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये आपका चित्र बना हुआ है, ये आपका क्या है कि क्या है इसमें कि जो आपका ये बना हुआ है, तो आप इसको देखिए कि जो आपका पार्श्व विभाज्य ऊतक बताया है मैंने, वो इधर पर पाया जाता है ठीक है। अंतःपृष्ठ बताया है, वो आपका इधर पर पाया जाता है। जो आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक पाया जाता है इधर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका शीर्षस्थ वाला होता है ये आपका क्या होता है, या तो बिल्कुल इधर किनारे में पाया जाएगा, या जैसे आपके पौधों की इधर पर जड़ें होती हैं पौधों की, तो इस जड़ के बिल्कुल नीचे पाया जाता है और इनकी वृद्धि करता है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर इनकी वृद्धि करते हैं। तो यही इसका कार होता है। और जो आपका अंतःपृष्ठ है, पहले आप इसको पार्श्व को समझ लीजिए, जो आपका पार्श्व विभज्य ऊतक है, ये क्या करता है, जो आपका तना होता है, तो तना आपका मान लीजिए आपका इतना चौड़ा है, तो फिर दूसरी बार देखा आपने पौधा बड़ा हुआ, आपका इतना चौड़ा हो गया, तो इसका यही कार होता है कि तने की परिधि को बढ़ाना ठीक है, तने की परिधि को बढ़ाना। इसके बाद आप अंतःपृष्ठ देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, जो आपका तना होता है और इधर पे आपका इस प्रकार से पत्ती लगी होगी, तो इन दोनों के बीच में ही पाया जाता है ठीक है। पर्णव्रंथ बोलते हैं इसको, जो पत्ती का देखिए आप, पत्ती का डंठल होता है ना, इस प्रकार से आपकी अगर इधर पत्ती होगी और उसमें इस प्रकार का डंठल लगा होगा इधर पे, मान लीजिए आपकी पत्ती है ठीक है, ये आपका डंठल लगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्णव्रंथ कहते हैं। आगे देखिए, प्रहोर के शीर्षस्थ विभज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होते। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतक होता है, यानी शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक आपका जो टिश्यू होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, जड़ों तथा तनों में पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन में एग्जाम आपका इधर पे वो सॉरी आपका एग्जाम में इधर पे क्वेश्चन बनता है कि शीर्षस्थ आपका जो विभज्य ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है, किन किन जगह पर पाया जाता है। तो आपका जड़ों और तनों की वृद्धि में, मतलब वृद्धि में भाग लेता है, तो जड़ों और तनों में ये पाया जाता है ठीक है। आगे देखेंगे, तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में तने की जो परिधि होती है उसको में, उसमें कौन सा ऊतक आपका होता है, वो आपका पार्श्व विभज्य ऊतक के कारण उसमें बढ़ती है। तो इधर पे आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आपका तने की जो आपका परिधि बढ़ता है या तने की चौड़ाई बढ़ती है, वो किस ऊतक के थ्रू बढ़ती है, यानी कौन सा ऊतक वहाँ पे पाया जाता है। तो आपका पार्श्व ऊतक वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद आपका अंतःपृष्ठ विभज्य ऊतक है, पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। वही मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आपकी पत्ती है, क्या होता है कि आपकी कुछ इस प्रकार की पत्ती है ठीक है, और इधर पे आपका होगा, तो जो आपका इधर से आपका तने से आप पत्ती को तोड़ते हैं ना, तो इन दोनों जगहों में ये पाया जाता है अंतःपृष्ठ ऊतक। आगे देखेंगे, इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक, यानी केंद्रक इसमें स्पष्ट होता है, यानी यूकैरियोटिक यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं ठीक है। जहाँ पे स्पष्ट केंद्रक हुआ तो वहाँ पे आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही तो पाई जाती हैं, और प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक वहाँ पे अस्पष्ट होता है। आगे देखिए, उनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? जब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे स्पष्ट केंद्रक है और आपका कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव है, तो खाली जगह वहाँ पे नहीं बसती हुई, तो इसलिए रसधानियाँ नहीं होती हैं।
इसके बाद हम इसके दूसरे ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको दो भागों में बांटा गया था प्लांट टिश्यू को। तो अब हम इसके स्थायी ऊतक के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप, स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? जब हमारी विभाज्य ऊतक द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनका क्या होता है? एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी सीधी बात है, जो आपका विभाज्य ऊतक होता है वो बड़ा और परिपक्व होकर अपनी शक्ति विभाजित होने की खो देता है, और क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक में चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे, इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदनीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे, विभिज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो अब विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण किया। अब इधर पे आप देखिए कि जो आपका ये दिया हुआ है, आपका तने को काट के उसका काट दिया हुआ है, तने का सेक्शन दिया हुआ है। आगे देखेंगे ये सब आपका इधर पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, आप लोग इधर पे देख लेना। अब देखिए, जो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के वो आपके विभाज्य ऊतक होंगे, और वो जब स्थायी बन जाएंगे तो वो कुछ अलग प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं, यानी कई प्रकार के। तो देखिए क्या है आपका, फर्स्ट तो आपका है सरल स्थायी ऊतक, तो हमें पढ़ना है। अब देखना आपके जो आपका स्थायी ऊतक है, इसके भी भाग आपके बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट भाग इसका सरल स्थायी ऊतक। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, इन्हें पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। तो इधर पे आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है कि सरल ऊतक के प्रकार, तो इधर पे आपने फर्स्ट देख लिया पेरेन्काइमा, ठीक है। अभी आप इसको याद रखने का कि जो आपका सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक के आपके जो प्रकार हैं वो आपका फर्स्ट क्या मिल गया आपको, पेरेन्काइमा मिल गया, जो स्थायी ऊतक का एकमात्र प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, ये कोशिकाएं जीवित होती है। ये सब इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो एग्जाम में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि सरल स्थायी ऊतक के इनमें से कौन से प्रकार नहीं है। तो ये जो आपका सरल स्थायी ऊतक होता है, आपने एक प्रकार यहाँ देख लिया, दो प्रकार आप और नीचे देखेंगे, तो ये तीनों रख देता है और एक आपका कोई और उठा के रख देगा, प्लांट और कहीं का प्लांट टिश्यू का रख देगा यहाँ पे, या फिर आपका एनिमल टिश्यू का भी रख सकता है। तो उसको हमें टिक करना होता है बस इसमें, और तो ये सब चीज़ें बस आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए थोड़ी बहुत। ये प्रायः बंधन मुक्त होता है तथा इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। आगे देखिए, यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन, और क्या होता है कि और भोजन का भंडारण करता है, ठीक है। कुछ पेरेन्काइमा, ये कौन पेरेन्काइमा ऊतक ही भंडारण करता है, पैकिंग का काम अभी हमने पढ़ा ना कि पैकिंग का काम करता है, तो भंडारण और पैकिंग एक ही चीज़ है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल यानी पत्तियों का कलर हरा होना, तो उसी के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी बड़ी बड़ी हवा की उसमें गुहिकाएं यानी खाली जगह होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावल बन प्रदान करती है। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई खोखली चीज़ है वो जल नहीं तैर सकती है, तो अगर इसमें क्या होता है, खोखली वाहिकाएं होगी, बड़ी गुहिकाएं होगी, तो उत्प्लावन बल यानी तैरने वाला बल, ठीक है, तो ज़्यादा प्रदान करेगी और अच्छे से उसको उत्प्लावन बल तैरने के लिए प्रदान करेगी, तो अच्छे से वो तैर सकेगा। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो अभी आपके इधर पे दो चीज़ें मिल गई कि जो आपका पेरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा मिल गया आपको इधर पे, और दूसरी चीज़ आपके इधर पे क्या मिल गई आपको, एरेन्काइमा मिल गया। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वैसे इधर से शायद क्वेश्चन में आज तक मैंने अभी देखा नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इधर से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा जहाँ तक, लेकिन एक बार पढ़ के जाना जरूर। तने और जड़ों में पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं ये कि जल का संग्रहण करते हैं, ठीक है, पोषण करने वाले पदार्थों का और जल का संग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है पैकिंग का, ठीक है, भंडारण का। अब देखिए आगे, पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक द्वारा होता है। अब आपका इधर पे स्थायी ऊतक का सेकेंड प्रकार क्या है, कोलेन्काइमा क्या है आपका इधर पे, कोलेन्काइमा के कारण होता है। तो इधर पे आपका एग्जाम क्वेश्चन बनता है, पौधों में लचीलेपन का गुण
किस स्थायी ऊतक की वजह से होता है? तो आपका कोलेनकाइमा की वजह से होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, देखिए आप जैसे पत्ती में पाया जाता है, तना, जैसे आपका कोई कोई पौधे का क्या तना होता है, आप उसको मोड़ सकते हैं और वो टूटता नहीं है, देखते हैं ना आप, हरा भी होता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया हो जाती है और उसमें आप देखेंगे कोलेनकाइमा ऊतक उधर पे पाया जाता है, तभी उसी के कारण उसमें लचीलेपन का गुण होता है और हम उसे आराम से मोड़ देते हैं। अंग देखिए मैं बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, यानी उसको आराम से हम मोड़ सकते हैं। अंग देखिए यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंथ में पा सकते हैं। अब आप कहेंगे ये एपिडर्मिस क्या होता है, पर्णव्रंथ क्या होता है, तो एपिडर्मिस वो होता है जो आपकी बाहरी, उसमें बाहरी त्वचा होती है जो आपके पौधे की, उसको हम देखते हैं वही एपिडर्मिस होता है, जिसको हम देखते हैं वही एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि पर्णव्रंथ क्या होता है, आपकी एक पत्ती है और पत्ती में एक इधर पे डंठल लगा होता है जो आपका तने से इधर पे जुड़ा होता है, तो यही आपका पर्णव्रंथ होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंथ में पा सकते हैं, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अंग देखिए एक अन्य प्रकार का ऊतक है, अब इसका आपका सरल ऊतक का, सरल स्थायी ऊतक है इसका आपका तीसरा प्रकार स्केलेनकाइमा। तो इसको आप क्या PCS के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा, आप एक शब्द याद कर लेना PCS, यानी PC आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा, एस वो PCS, इसमें मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, देखिए PCS ठीक है, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और आपका तीसरा हो जाएगा आपका स्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा आपका स्केलेनकाइमा। तो इसको आप PCS से याद कर सकते हैं आसानी से। आगे देखिए तो जो आपका स्केलेनकाइमा होता है ये कहाँ पाया जाता है, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशयुक्त छिलके को देखा है, बिल्कुल देखा है, यह स्केलेनकाइमा के ऊतक से बना होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि जो आपका नारियल का ऊपर का जो आपका रेशा होता है उसका, तो उसको मतलब किस किस ऊतक से बना होता है, तो आपका स्केलेनकाइमा ऊतक से बना होता है। तो एग्जाम में आपका जैसे क्वेश्चन बनता है कि जो आपका नारियल का छिलका होता है और उसमें जो रेशे होते हैं वो किस ऊतक से बनते हैं, तो आपका स्केलेनकाइमा से वो बनते हैं। इस ऊतक की कोशिका मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होते हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, ठीक है। तो आपका इधर से इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका स्केलेनकाइमा होता है इसकी भित्ति आपकी कौन सी रासायनिक पदार्थ से बनती है, तो आपकी लिग्निन से बनती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। भित्तियां द्वारा ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की सिराओं में, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। सीधी बात है कि जहाँ पे आपको देखिए कि वो बहुत ही मजबूत है पौधा, वहाँ पे आप समझ जाने कि यहाँ पे स्केलेनकाइमा आपका बन रहा है, स्केलेनकाइमा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको। और जैसे आपको मैंने आपको नारियल का रेशा इधर पे बुक में एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, तो जैसे आपका अखरोट है, आपका बादाम है, तो इसके जो ऊपर वाले जो इसके बहुत है ना कठोर कवच इसमें होता है, फिर अंदर से उसका फल निकाला जाता है, तो जो इसका कठोर कवच होता है वो आपका स्केलेनकाइमा से ही बना होता है। आगे देखेंगे इधर से और क्या दिया हुआ है, इधर पे आपका क्रियाकलाप हम छोड़ देंगे। जो आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आप पौधों की ऊपरी परत को या त्वचा को उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधे की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी होती है। पौधे की जो पूरी सतह होती है, यानी क्या होता है कि जो ऊपर वाली परत होती है एपिडर्मिस, उससे पौधे की पूरी अंदर की सतह ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। जब उसके ऊपर अच्छा कठोर भाग होगा एपिडर्मिस का, तो अंदर के जो भाग होंगे उन्हें आराम से सुरक्षा मिल जाती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है।
क्योंकि जो आपका एपिडर्मल है, क्योंकि जो एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है, इसका जो उत्तरदायित्व होता है यानी जो इसका एपिडर्मल का आपका कार्य होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं की रक्षा करना होता है। अतः इसकी कोशिका बिना किसी अंतःकोश की स्थान के अच्छनन्य परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिका अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। आगे देखिए, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इन छिद्रों को, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। बाष्पोत्सर्जन, बाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब जब छिद्र है स्टोमेटा, मतलब उनको नाम दिया गया स्टोमेटा और छिद्र है, तो उन्हीं से तो क्रिया होगी, उन्हीं से तो आपका पानी बाहर निकलेगा। अगर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो CO2 गैस की आपके यहाँ पे आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो बाष्पोत्सर्जन आपका बाष्प के रूप में पानी का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो बस इसको इधर पे ही हो गया। और देखिए आगे क्या है, आगे देखेंगे इसमें। आज हम आपके सरल वो सरल नहीं वो क्या कहते हैं कि जो आपका प्लांट टिश्यू यहाँ पे आज हम कवर कर लेंगे, जो आपके एनिमल टिश्यू है वो हम इसमें कल वाले वीडियो में इसमें कवर करेंगे। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सूखने का कार्य करती हैं। जो आपकी जड़ें की जो एपिडर्मिस होंगी वो क्या करती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं पानी को सूखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रबर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है तथा इनकी पानी सूखने की क्षमता में वृद्धि होती है, यानी ज़्यादा पानी सूख सकती हैं। मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटेन का लेप होता है, क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं, तो हम इसका कारण सोच सकते हैं क्योंकि इसमें क्यूटेन का इसमें क्या होता है कि जो आपका मरुस्थलीय पौधा होता है उसमें क्या होता है, उसमें पानी आपका उधर पे कम मिलता है, तो इसलिए क्यूटेन का उधर पे लेप होता है, क्योंकि यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, इसलिए इसका क्यूटेन का उसमें लेप पाया जाता है। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने के बाह्य परत से भिन्न होती है, तो हाँ भिन्न तो होती है। जैसे देखिए आगे, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होते हैं। एक दूसरे विभाज्यता की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। अब आप देखिए कि क्या होता है कि जैसे आपका नया नया पौधा होगा तो वो कितना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको दिखता है, और उसका जो परत होता है या किसी भी चीज़ को आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा आपको। लेकिन जैसे ही आपका पौधा बड़ा होता जाता है तो उसमें कठोर एपिडर्मिस होते जाते हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंतःकोश के स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबरन नामक रासायनिक होता है, सुबरन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। अभी हमने सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले जटिल स्थायी ऊतक। तो आप इधर पर ध्यान दीजिएगा जटिल स्थायी ऊतक पे। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने कोशिकाओं से बनी हुई विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। ठीक है, विचार कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जो आपके अन्य प्रकार के ऊतक हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, जटिल स्थायी ऊतक। तो आपका जो स्थायी ऊतक था उसको दो भागों में बांट दिया गया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल स्थायी ऊतकों के उदाहरण हैं। तो जो आपका जटिल स्थायी ऊतक है इसको दो भागों में बांट दिया गया, जाइलम एंड फ्लोएम में। तो इसको आपके इधर से ध्यान से समझना है कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो पहली बात तो आपकी जाइलम और फ्लोएम आपके संवहन ऊतक हैं, यानी चालन संवहन, यानी इधर से उधर करने वाले ऊतक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो आपका इधर से पहली बात तो क्वेश्चन उठता है कि जो आपके संवहन ऊतक हैं, जैसे मान लीजिए आपका दो दो का जोड़ा दे दे पेयर और उसमें पूछ लेगा इनमें से संवहन ऊतक का कौन सा पेयर है, तो आप कौन सा पेयर बताएंगे, जाइलम और फ्लोएम का। आगे देखेंगे, यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। इसमें देखिए जो आपका चित्र बता रहा है, मैं तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं,
तो 6 पॉइंट आपका 3। तो ऐसा करते हैं, रहने देते हैं, आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं जितना आपका बचा हुआ है। तो अब हम जाइलम को इधर पर पढ़ेंगे। जाइलम, तो आपका जाइलम जो है उसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है इधर पे। तो आपका जाइलम आपका ट्रकीड यानी वाहनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जो आपका जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। तो आपका जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो पहली बात तो आपको वाहनिका यानी ट्रकीड और दूसरा आपका वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और इधर पे आपका जाइलम फाइबर यानी रेशों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इधर पे आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से जो आपका जाइलम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इन 4 चीज़ों से आपका वाहिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशों से बना है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रकीड और वाहिकाओं की संरचना नलकादार होती है। इसके द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। पहले मैं आपको इधर पर जल्दी जल्दी पढ़ा के और फिर मैं आपको अपनी भाषा में इधर पर समझाती हूँ। और वह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फाइबर मुक्ता सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के। तो इधर पर आप बस रुक जाइए कि क्या होता है। अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ा। तो जाइलम आपका क्या करता है? जो आपकी जड़ें होती हैं वो खनिज पदार्थ और पानी को ऊपर करती हैं। तो क्या करता है कि उसमें क्या करता है कि जब जैसे आपकी जड़ें हैं तो ये जो आपका क्या है कि जो आपके इधर पे जाइलम है क्या करता है, आपकी जड़ों से जो आपका पानी और आपके खनिज पदार्थ होते हैं ये सारे भागों में इसको भेज देता है। अभी इधर पे आपने पढ़ा ना कि इस क्या करता है, मैं इधर पे आपको दिखाऊं जो आपकी बुक की भाषा में इधर पे क्या लिखा हुआ है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन यानी ऊपर की तरफ संवहन होता है। यानी जो पानी और खनिज होता है आपका वो आपके ऊपर की ओर इधर पे जाते हैं। आगे देखिए जो आपके फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों द्वारा, तो आप देखिए आप फ्लोएम के बारे में देखिए, फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों। अब फ्लोएम आपका इधर पे किस किस चीज़ से बना हुआ है? तो आपके चालनी नलका से बना हुआ है यानी सीप ट्यूब से, साथी कोशिकाओं से बना हुआ है, फ्लोएम पेरेन्काइमा से तथा फ्लोएम रेशों से इधर पे मिलकर बना हुआ है। तो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। चित्र में देखिए चालनी नलिका, तो चित्र में हम बाद में देखेंगे। इधर पर देखिए आप चालनी नलका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलकाकार कोशिकाएं होती हैं और फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा देता है। तो आपका जो वो आपका जाइलम था तो ये क्या करता था कि जब जड़ है तो ऐसे सीधे ऊपर की ओर ही सब कुछ जाएगा, पानी और खनिज पदार्थ। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आपकी पत्ती है इधर पर और पत्ती ने आपका भोजन बनाया तो फ्लोएम के थ्रू इसको पूरे उसमें पेड़ में फैलाना है। तो अब आपकी पत्ती इधर है तो अब क्या होता है, इधर भी जा सकता है, खाना इसका नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये बोल रखा है ना दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। अब आगे देखिए फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। और आपका जाइलम होता है तो आपका जड़ों से वो ऊपर की तरफ पानी तथा खनिज पदार्थ पहुंचाता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, एक लाइन और इसकी पढ़ लेते हैं। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, जैसे आपका जाइलम और आपका इधर पे जड़, ठीक है। तो इसका जाजा आगे है तो इसको आप इस प्रकार से याद रखना कि जाइलम क्या होता है, जड़ों से ऊपर की ओर जाता है, मतलब जड़ों से ऊपर की ओर पानी तथा खनिज को ले जाता है और फिर आपका फ्लोएम बचा तो ऊपर से पत्तियों से खाना बन के आता है और पूरे पौधे में आपका उधर पर वितरित हो जाता है। आगे देखिए इधर पे और क्या दिया हुआ है, इधर पे आपका पूरा चित्र दिया हुआ है सब कुछ का। आगे देखेंगे जो आपके इधर पे प्रश्न बनता है, सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके इधर पे PCS याद रखना है, PCS यानी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्केलेन्काइमा इधर पे आपके सरल ऊतक के प्रकार हो गए। इसके बाद आपका क्या होता है, प्रहोर का शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपका जड़ में पाया जाता है और ऊपर आपका ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट में पाया जाता है पौधे की, ठीक है, जड़ और तने में। इस बुक में लिखा हुआ है कि जड़ और तने में पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी अगर आपका उधर पर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो इस प्रकार से भी आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। नारियल का रेशा किस ऊतक द्वारा बना होता है? तो स्केलेन्काइमा के द्वारा ये बना होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से? तो जो आपका फ्लोएम है वो चालिनी नलिका, साथी सेल्स यानी साथी कोशिकाएं और दूसरा आपका पेरेन्काइमा फ्लोएम यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा और दूसरा आपका फ्लोएम रेशों के द्वारा बना होता है। अब देखिए आप जंतु ऊतक, तो जंतु ऊतक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मैं इधर पे आपको एक टेबल दिखा देती हूँ। तो
तो उसको आप अपने अच्छे से उसको बना लेना, क्योंकि वो आपकी टेबल बहुत जरूरी, उसी से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप रुकिए एक मिनट, तो इधर पे आप देख लीजिए और जितना आपको समझ आए आप एक काम करना, अपने आप से खुद से एक टेबल बना लेना। इधर पे आपको जितनी भी राइटिंग समझ में आ रही है मैं आप एक बार इसको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप खुद से बना लेना। इधर पे मैंने प्लांट टिश्यू लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने इसको दो पार्टों में विभाजित किया हुआ है। किस प्रकार से विभज्य ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा आपका स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू। इसके बाद जो आपका विभज्य ऊतक टिश्यू है वो आपके इधर पर तीन पार्टों में डिवाइड हो जाता है, शीर्षस्थ, अंतःपृष्ठ तथा पार्श्व में। जो आपका स्थायी ऊतक है वो क्या होता है, सरल तथा जटिल में विभाजित हो जाता है। तो आपका जो सरल होता है वो आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कलेन्काइमा, यानी सीधा पीसीएस याद करिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्कलेन्काइमा विभाजित हो जाता है। और आपके इधर पे जटिल स्थायी ऊतक होता है तो आपका जो आपका जटिल स्थायी ऊतक है वो आपके इधर पे दो भागों में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से, जाइलम तथा फ्लोएम में। और आगे आप देखेंगे, अभी मैंने आपको इस साइड लिख दिया है तो इतना आपका अलग है और इधर पे आपका बन नहीं रहा था, तो जाइलम और फ्लोएम आप अपना अच्छे से इसको एक रजिस्टर में बना लेना। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका जाइलम है और फ्लोएम है तो आपका जाइलम भी आपका चार भागों से मिलकर बना है, यानी वाहिनिका, वाहिका तथा इधर पे मैंने पैरेन्काइमा मतलब सिंगल लिखा हुआ है, तो आपको इधर पे लिखना है जाइलम पैरेन्काइमा और नीचे लिखना है आपको जाइलम रेसे। इसके बाद जो आपका फ्लोएम है वो आपका चालनी नलिका के थ्रू साथी सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसों के द्वारा बना होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये टेबल रही और आप इसको अपनी भाषा में अच्छे से बना लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी राइटिंग इधर पे आपको अच्छी साफ नहीं दिख रही है। ठीक है, उधर पे आपका जो इधर पे लाइट दिख रहा है आपको, इधर पे आपका रेसे और कोष्टक में आपका फाइबर लिखा हुआ है, क्योंकि रेसों को फाइबर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे कल इसके सेकेंड पार्ट के साथ इस चैप्टर के। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।